मुझे तो भूखा मार दिया। ला शब्बो, तुमसे ऐसा नहीं हुआ कि आज थोड़ा सा दावत का खाना मेरे लिए रख लेती? क्यों शब्बो, कोई जिन है या भूत है कि खुद ही सब कुछ सोच दीजिए और खुद ही सब कुछ हो जाएगा? वैसे भी वो है ना मशलबाजी, उन्होंने बचा कुछ सारा खाना अस्वर साहब के लिए पैक करा दिया, उन्हीं के साथ जाएगा। ये दो चपातियां पड़ी हैं, इस वक्त नया खाना मैं नहीं बना रही। शब्बो, हाँ दो चपातियां। हाँ तो वो वहीं से लेकर आया। अरे आया भाई अस्वत, कुछ गिफ्ट्स लेकर आया तुम लोगों के लिए। मजीद गिफ्ट्स? दिस बॉय इज टू मच। ओह माय गॉड, दैट्स सो स्वीट। क्या जरूरत थी? वैसे वहां से मशल के लिए हमेशा प्रेजेंट्स भेजता था। उसकी आदत है ये सब चीजें करने की। बिल्कुल मशल की तरह, वो भी चुन चुन के उसकी फेवरेट चीज़ें यहाँ से भेजती थी। बल्कि वो तो उसको लिस्ट भेजता था कि मुझे ये चाहिए, तो फिर वो भेजती थी। भाई जाहिर सी बात है, कजन्स हैं, दोस्ती तो है ना आपस में। अरे आज तो सोचा था कि दावत का खाना खाने को मिलेगा अस्वत साहब की वजह से, लेकिन नहीं मेरी, तुम्हारी किस्मत में तो यही है आम की चटनी, और तुम्हारी किस्मत में वो यही है घन चक्कर बनना। वैसे मेरे बारे में किसी ने पूछा तो होगा? हाँ पूछा था ना आपकी नानी जी ने, तो मैंने बता दिया कि आप गई अपनी सहेली के घर और बहुत देर बाद वापस आएंगी। वेरी गुड, अच्छा किया। और इसके बाद सब ने मुझे कोसा होगा। यार शब्बो, कोई मीठा वीठा नहीं बनाया अस्वत साहब के लिए, जो तुम्हारे अस्वत साहब ने बचा दिया हो, ताकि तुम्हारे अस्वत साहब के बजाय ये कनीज खा। ओह शब्बो, तो कमाल हो गया, ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने खाया नहीं ना, सब कुछ तो अस्वत साहब खा जाते हैं, बचेगा तो वही जो मैं नहीं खाऊंगा।